खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बशीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई है। मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के शव लेकर बीजेपी वर्कर्स बशीरहाट बीजेपी दफ्तर जा रहे थे, जिसे पुलिस ने रास्ते में रोका और उसके बाद कार्यकर्ता वाहन नारेबाजी करने लगे। ज्यादा डिटेल्स पर रुक करते हैं जिम्मेदार संवाददाता पूजा मेहता का। पूजा, सबसे पहले तो क्या है लेटेस्ट? अदिति, आपको बता दें, सुबह से ही पूरा दिन जो है हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा है और फिलहाल डेड बॉडी पर राजनीति देखने को मिल रही है, क्योंकि पुलिस ने बीजेपी का जो डेलीगेशन कोलकाता से गया था, जिसमें राज्य के अध्यक्ष बीजेपी के दिलीप घोष और अन्य जो एमपीज हैं लोकेट चैटर्जी या फिर सीनियर लीडर राहुल सिन्हा, वो सब गए थे ताकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता जिनकी मौत हुई है उन्हें कोलकाता के पार्टी ऑफिस में लाया जा सके और उसके बाद अंतिम संस्कार जो है वो कोलकाता में होना था। लेकिन पुलिस से अब तक से लेकर तीन बारी जो है इस पूरे कॉन्वॉय को और जो मृतक है बीजेपी कार्यकर्ता जिनकी मौत हुई और उनके परिवार वालों को अटका दिया है। पहले रोका गया था उन्हें जब बसीराज से वो निकले थे, उसके बाद रोका गया मालनचा रोड में और फिलहाल मीनाखा जो पुलिस स्टेशन उसके बाहर रोका गया है। पुलिस का साफ तौर से यह कहना है कि डेड बॉडी को लेकर वो कोई भी प्रोसेशन नहीं होने देंगे, वरना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में डेटोरेशन हो सकता है। वहीं बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि ऐसा कोई रूल ही नहीं है जिसमें पुलिस एक डेड बॉडी को रोक सके पार्टी ऑफिस ले जाने से, क्योंकि मृतक के जो परिवार है वो भी चाहते हैं कि अंतिम संस्कार जो है कोलकाता में हो। इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके परिवार वाले जो है वो बिल्कुल भी एडमिंट है। उनका यह कहना है कि अगर उन्हें कोलकाता नहीं जाने दिया जाता है तो उसी सड़क पर उनका अंतिम संस्कार करेंगे। विजुअल्स में हम देख रहे किस तरीके से लकड़ी को पे इकट्ठा किया जा रहा है। काफी साफ तौर पे उनका यही कहना है कि अगर कोलकाता नहीं ले जाने देती है पुलिस इन दो बीजेपी कर्मी के शव को, तो अंतिम संस्कार जो है वही सड़क पे किया जाएगा मीनाखा पुलिस स्टेशन के सामने। अदिति, एक बार फिर से मैं दर्शकों को जरा बताइए कि पुलिस को दिक्कत क्या हो रही है, कौन से नियम के तहत, कौन से रूल के तहत पुलिस ऐसा नहीं होने दे रही? अदिति, सबसे पहले तो आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से बार बार यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा क्लॉज है, कौन सा रूल है जो प्रिवेंट करता है एक डेड बॉडी को किसी भी राजनीतिक पार्टी ऑफिस में ले जाने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है या वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कभी भी जब राजनीतिक हिंसा होती है तो पार्टी ऑफिस ले जाया जाता है शव और पार्टी फ्लैग दिया जाता है और पार्टी जो है उनसे लास्ट रिस्पेक्ट देती है। लेकिन पुलिस यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं बोल रही है, बस वहां पे चुप खड़ी है। बस एक ही चीज उनका कहना, बस एक ही चीज कह रही है बार बार पुलिस कि अगर डेड बॉडी के साथ प्रोसेशन होता है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में डेटोरेशन होगा। बीजेपी की ओर से यह कह दिया गया है कि कोई भी प्रोसेशन नहीं होना है डेड बॉडी के साथ, वो बसीरहाट से सीधा जो है कोलकाता लेकर जाएंगे शव और कल जो है अंतिम संस्कार होगा। विक्रम दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, इस समय क्या हालात है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? हालात काफी बिगड़ते जा रहे हैं, जैसे की पूजा बोल रहा था, अभी तक पुलिस वालों ने ऐसा कोई रिस्क नहीं दे पाया तो कुछ हुए एक बार इस पर कोलकाता नहीं ले जा सकता है। इस तरह पूजा बीजेपी फिर आरोप लगा रहा है जो यहाँ पर जो लॉ ऑर्डर है, जो लॉ ऑर्डर काफी हद तक ये आ रहा है खराब हो गया है। पुलिस वाले जो ऑफिस से भी बोल रहे हैं कि अगर डेड बॉडी में कोई प्रोसेशन हो या लिया जाए ले जाया जाए यहाँ पे तो लॉ ऑर्डर और भी डिटेरियट कर सकता है। इसी हाल में जो दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता है जो नेता है जिनके राष्ट्रीय सभापति यहाँ पे खुद है, जिन्हें और का सांसद है लोकल तत्व जाए अब ये लोग बोल रहे हैं और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है बोल रहे हैं कि अगर। विक्रम, मुझे आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है, दोबारा से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पूजा मेहता लगातार हमारे साथ बनी है। पूजा, जब लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा हो रही थी तो जो पॉलिटिकल पंडित थे वो बार बार इस बात को लेकर उम्मीद जता रहे थे कि इलेक्शन निकल जाएगा तो इस तरह की जो हिंसा का दौर है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं इलेक्शन के बाद अगर ये तेज नहीं हुआ तो कम से कम उतना तो उसकी उतनी इंटेंसिटी तो बरकरार है, उतने ही तरह हिंसा का दौर जो है उस पर विराम नहीं लग पाया है, इसकी वजह क्या है?
बिल्कुल अदिति, सीधा सवाल उठता है जो आईन श्रृंखला या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पश्चिम बंगाल की, उस पर और पुलिस के रोल पर, क्योंकि पुलिस के पास जो है पूरी तरीके से इंटेलिजेंस था। पुलिस की मौजूदगी में वहां पर अटैक होता है। बीते दिन जब बसीरहाट में यह अटैक होता है, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं, पुलिस वहां पे आंख मूंद कर खड़ी रही, दर्शक बन के खड़ी रही और इंटरव्यू नहीं किया, लिहाजा सिचुएशन जो है वो बद से बदतर होती रही। और जहां तक सवाल है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, आपको बता दें एक हफ्ते में कुल मिलाकर 5 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी है। 3 तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मर चुके हैं और 2 बीजेपी के कार्यकर्ता मरे हैं। कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी या फिर लेफ्ट के कार्यकर्ता अभी भी लापता है, उनका कोई ट्रेस नहीं मिल पा रहा है। ममता बनर्जी जो खुद राज्य की सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं लेकिन पुलिस मंत्री भी है, होम डिपार्टमेंट जो है वो उनके पास है, लेकिन हम साफ तौर पे देख पा रहे कि इस तरीके से नाकाम रही है ममता बनर्जी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने में। पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो चरमराई हुई है और इसीलिए सवाल पूछने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या सही मायने में लोकतंत्र है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदारी किसकी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ।